शादी का इवेंट हमारे यहाँ एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और सबकी ही एक कोशिश होती है कि आने वाले मेहमानों को बेहतर से बेहतर तौर पर एंटरटेन किया जाए। और जाहिर है जब शादी का मौका हो तो मजे मजे के खाने कौन इग्नोर कर सकता है, और इसी मकसद के लिए सबकी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर शादी हाल अरेंज किया जाए। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए पंजाब फूड अथॉरिटी और क्या हम दूध के धुले हैं की टीम ने इस बार रुख किया लाहौर के इलाके वाउडा टाउन में वाकया मशहूर नौलखा बैंक्वेट हॉल का। नाज़रीन, इस वक्त हम नौलखा शादियाँ लाहौर के बाहर मौजूद हैं। अंदर जाकर इनके किचन को देखते हैं कि वहाँ पे किस क्वालिटी का खाना तैयार किया जा रहा है। जब हम अंदर दाखिल हुए तो हॉल का इंटीरियर और अरेंजमेंट्स देखकर दिल खुश हुआ और हम मालकान की तारीफ किए बगैर ना रह पाए। लेकिन हमारी ये खुशी ज्यादा देर तक ना रह सकी कि जब हम शादी हॉल की छत पर कायम किचन में पहुंचे तो सामने के मंजर देखकर सिर्फ अफसोस ही कर सकते थे। दुख की बात है कि अवाम इन लोगों पर भरोसा करते हैं और अवाम ही की वजह से ये लोग लाखों रुपया एक महीने में कमाते हैं। लकड़ी के टोकरे इस्तेमाल नहीं करने। आप इसको लकड़ी के टोकरे को जितना मर्जी धो लोगे ये नहीं साफ होगा। इसमें जरासीम फंसे रहेंगे, इसमें मैल फंसी रहेगी। आपने लकड़ी का टोकरा छोड़ के जो स्टील का छानना सा होता है ना, जिसमें सुराख होते हैं, आपको सुराख वाला बर्तन चाहिए ना ताकि इसका पानी निकल जाए। तो आपको वो स्टील के बर्तन मिलते हैं उसमें इसको धो के रखें फुट लेवल पे, यानी कि आपके पाँव के लेवल पे इसको ना रखें। ठीक है, इसको ऊंचा रखें, जमीन से ऊंचा रखें, धोएं इतना इकट्ठा ना धोएं, थोड़ा थोड़ा करके धो लें क्योंकि आपके पास इकट्ठा धोने की खाली रूटीन नहीं है। लगे आ जाओ सर, फोन नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने। ये भी सब चीजें हैं जिसमें आप ये चावल छानते हैं, ये भी सदा स्टेनर लेंगे स्टील के, इसमें से बैक्टीरिया खत्म ही नहीं होता जितना गलीज है। नाज़रीन, इस वक्त हम नौलखा शादी हॉल के किचन में मौजूद हैं। ये मेरी बैकग्राउंड पे आपको सारा किचन नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये डस्टबिन है। अगर आप इस डस्टबिन को गौर से देखें तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। इसमें आपको सैलड भी नजर आएंगे, नान के टुकड़े भी नजर आएंगे, गोश्त की बोटियां भी आपको नजर आएंगी। ये वो चीजें हैं जो जाया नहीं जाएंगी, ये यहां से लेके जाएंगे, मुख्तलिफ लोग इनको खरीदेंगे और उसके बाद इसकी चीजें हलीम में भी इस्तेमाल की जाएंगी, बोटियां मुर्ग चनों में भी इस्तेमाल की जाएंगी। आप कई बार मुर्ग चने खाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि
आपके पास जो बोटी है वो आधी आती है, आप समझते हैं कि शायद ये घुल गई है, वो घुली नहीं होती, वो एक्चुअली आई ही उतनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह की सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे इस्तेमाल होती चली जाती हैं। उसके बाद जरा आप आगे आइए, एदी गोश्त दी एदे छिछड़े वेख रहे हो सर, ठीक है जी, एदी सफाई ठीक नहीं हुई है, खून उमे ही हले, आप लेके आए, आपने रख लिया फ्रीजर में इसको ऐसे ही, लकड़ी के टोकरे इस्तेमाल नहीं करने, लकड़ी के टोकरे इस्तेमाल नहीं करने, आप इसको लकड़ी के टोकरे को जितना मर्जी धो लोगे ये नहीं साफ होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसर ने शादी हाल के किचन और इसकी हालत जार के बारे में तफसील से बात की और हेल्थ एंड हाइजीन के मुरव्वजा असूलों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह किया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अलामा इकबाल टाउन लाहौर के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर मंजूर इलाही। अस्सलाम वालेकुम मंजूर। वालेकुम सलाम। मंजूर, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस शादी हाल के बारे में? इसमें जो हमें ज्यादा क्रिटिकल चीज है कि ये वुडन यूटेंसिल्स, जैसे कि वो लकड़ी का टोकरा था वो इस्तेमाल कर रहे हैं कटिंग के लिए, इनके पास वो लकड़ी का एक वो जो होता है उसमें कटिंग बोर्ड की बजाय वो है जिसपे रख के वो कटिंग कर रहे हैं। आप ये देखें कि कटिंग बोर्ड आप यूज़ करते हैं वो नहीं उसमें जो है ना खाने के पोर्शन में आता, लेकिन ये जो लकड़ी का है ना आप ये देखते हैं अंदर ही धंसता चला जाता है, वो इतनी सारी सेंटर से जो लकड़ी गायब हुई है वो कहाँ गई है, वो आपके पेट में जाती है, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। इसको लकड़ी को हम हर जगह जाते हैं इनको बताते हैं, बैन करते हैं इसको, लास्ट टाइम भी इनको फाइन किया इसी चीज़ पे कि जी ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें, लकड़ी का टोकरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना मर्जी साफ़ कर ले लकड़ी के टोकरे को, आप जितना मर्जी धो लें उसमें मैल फंसी रहेगी, मतलब कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते रहेंगे, उस चीज़ को इनको अवॉइड करना है, वो चीज़ इनको बताई गई थी। और फिर इनके जो है इन्होंने जाली वगैरह लगा के बंद तो किया लेकिन दरवाजे बंद नहीं किए, अंदर ढेरों मच्छर वगैरह आपने बल्ब पे देखा कि चिमटे हुए थे, तो इस चीज़ को जो है इनको देखना चाहिए कि इन्होंने अगर क्लोज़ कर लिया किचन तो उसको क्लोज़ ही रखें, बंद करके रखें दरवाजे, इंसेक्ट किलर भी लगाएं ताकि इंसेक्ट्स ना हो। फिर फ्रीज़र में इन्होंने दूध, कच्चा गोश्त और पका हुआ गोश्त इकट्ठा रखा हुआ है, उसको सेपरेट करें, ये कुछ है। और ड्रेनेज का इनका बहुत इशू है, वो फ्लोर इनको करना है ताकि उधर पानी स्टैगनेंट ना हो, वो जो है इनके पाँव वगैरह गंदे होते हैं, सारा कुछ कंटेमिनेशन होती है, दूसरा चिकन भी फिर फुट लेवल पे रख रहे हैं, तो इन चीज़ों को देखते हुए इनको फिर फाइन कर रहे हैं ना कि जी ये चीज़ें ठीक कर लें, इस बार भी इनको फाइन कर रहे हैं। किचन को चारों तरफ से लोहे की बारीक जाली लगाकर धूल और मिट्टी से महफूज बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन देखकर तो लगता है कि अब यही जाली मिट्टी को जखीरा करने का बाइस बन रही है और फर्श का हाल तो इस कदर बदतर है कि जैसे हम किसी नाले के किनारे खड़े हैं। हर तरफ खाने की चीजें, गोश्त के टुकड़े, सब्जियां और हत्ता के आटे के पेड़े तक बिखरे पड़े हैं। और जहन में रखिए, यहाँ से कुछ भी चीज जाया नहीं होने दी जाती और हमारे लजीज शादी के खाने की जीनत बनती है। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स इसी गंदगी में सारा दिन गुजारते हैं, पर मजाल है सफाई की तरफ इनका ध्यान भी गया हो। गलाजत और गंदगी से आलूदा लकड़ी के बने हुए ये टोकरे मुर्गी के गोश्त को धोने के काम आते हैं। जरा इनकी हालत मुलाहिजा कीजिए, ऐसा लगता है जैसे इनको हड़प्पा के आसारे कदीमा से खोद कर निकाला गया हो, क्योंकि ये इस जमाने के तो मालूम नहीं होते। नाज़रीन, सबसे पहले आप अगर देखें कि ये वॉशिंग एरिया है जहाँ पे गोश्त की वॉशिंग की जाती है, आप ज़रा देखें कि गोश्त की जो वॉशिंग है उसका मियार क्या है। इसमें आपको खून भी नज़र आएगा, खून भी आपको वाज़े नज़र आएगा, ये देख लीजिए, ये खून उसी तरह वाज़े आपको नज़र आएगा।
ये इसी तरह गोश्त चला जाएगा। अगर आप इसको सूंघें तो लहसुन की स्मेल आती है, इसका मतलब ये है कि इसको लहसुन का पानी लगाकर धो दिया गया है। लेकिन वॉशिंग का मियार क्या है, इसी तरह ये जाएगा, आगे जाके फ्राई हो जाएगा। और छीछड़े उसी तरह साथ लगे हुए हैं, खून साथ है, और इसी तरह ही ये गोश्त आगे चला जाएगा, आगे प्रोसेस हो जाएगा। जब खून इस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जो ब्लड क्लॉट्स हैं, इसके हमारी सेहत पे किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे आए तो ये देखिए, ये सब्जियां जो मुख्तलिफ सैलड में, मसालों में, ये चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, वो किन हालात में और कहाँ पर नीचे ही गिरी पड़ी हैं, इससे भी कितने जर्म्स और वायरस आगे जाते हैं। आगे आ जाइए, ये वो मशीन है, इस मशीन को भी धोने का तकल्लफ नहीं किया जाता, किस तरह की गंदगी और गलाजत इसके अंदर मौजूद है। ये जो चीज़ आप बता रहे हैं ना जी, ये फ्राई होने के बाद ये मुकम्मल इसकी सफाई होती है, ये चीज भी उतारी जाती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है जी। इस टोकरी को आप देख लें, जिसमें चावल छाने जाते हैं, इस टोकरी को भी नहीं धोया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है इस तरह की चीज़ों को धोना। इसके ऊपर साल हा साल की गंदगी और मैल इसके ऊपर उसी तरह मौजूद है। बज़ाहिर इन्होंने यहाँ पे जालियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन उन जालियों के बावजूद आप देखें कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा कीड़े और मच्छर मौजूद हैं। ये वो कीड़े और मच्छर हैं कि जो अगर इन बल्ब के ऊपर, इन तारों के ऊपर, इन छतों के ऊपर अगर चिपके हुए हैं तो लामहाला इस ऑयल में भी गिरते हैं और आपकी जो खाने की अशिया हैं उनमें साथ साथ फ्राई होके अपने असरात उधर भी छोड़ते हैं। ये देखिए, इस फ्रीज़र को देख लें, इसमें ये कोई कुक फूड है, ये कच्चा गोश्त है, ये दही है, ये पुराने और जो बासी खाने हैं शायद, ये वो अंदर पड़े हुए हैं, और कच्चा दूध। ये सब चीज़ें एक ही फ्रिज में, एक ही फ्रीज़र में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस फ्रीजर को भी देख लें, गोश्त और सब्जियां और नीचे खून, ये एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए। फ्रीजर की सफाई ये देखिए, इधर ऐसी एनवायरनमेंट में, ऐसी एम्बियंस में जब कोई काम किया जाएगा तो कितनी बीमारियां नीचे फर्श से, इधर जो नीचे गलाजत मौजूद है, यहां से जो जर्म्स वायरस हमारे हाथों को, हमारे जो बर्तन के साथ जो गंदगी लगेगी, वहां से जब हम उसको पकड़ेंगे वो आगे उसी तरह मुंतकिल होगी खुराक में भी। ये वो टोकरी जिसे आपने अंदर अभी देखा है कि जिसमें मुर्गी वगैरह धोई जाती है, वो अगर खाली हो तो उसका क्या आलम होता है, ज़रा इसको आप गौर से देख लीजिए। इस तरह की टोकरी में, इतनी गंदी और गलीज टोकरी में अगर कोई चीज़ रखकर धोई जाएगी
तो क्या वो साफ सुथरी रह जाएगी, क्या सेहत बख्श रह जाएगी, ये मेरे से बेहतर आप खुद जानते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बारहा इस बात पर जोर दिया है कि खाने की चीजों को धोने के लिए स्टेनलेस स्टील के स्टेनर्स का इस्तेमाल किया जाए और धोने के बाद इनको फुट लेवल पर नहीं किसी ऊंची जगह पर रखा जाए। यहाँ पे नाज़रीन, आपको मैंने अभी जैसे दिखाया कि फर्श की गंदगी का आलम क्या है, वहां पे नीचे कितना कीचड़ और गंदगी है, और इधर भी फर्श को देख ले। ये वो प्याली है, इसको इसी तरह उठाएंगे, इसमें से अचार को निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे, उसके बाद नीचे फर्श पर ही रख देंगे। ये है सफाई का म्यार। ये घी का डब्बा ये बताता है, घी का डब्बा ये बताता है कि ये जब उसमें फ्राइंग कर लेते हैं, जब इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद निकाल के इसमें रखते हैं और फिर दोबारा फिर निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि जिस घी में एक बार फ्राइंग हो जाए उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी ये नहीं होता कि वो ठंडा हो जाए उसके बाद दोबारा फिर इस्तेमाल कर लें। एक बार उसमें अगर कुकिंग हो गई है, एक बार फ्राइंग हो गई है, तो दोबारा करने की कतन इजाजत नहीं है। इसको ज़रा देखिए, ये वो बर्तन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले कूटे जाते हैं। अगर आप इस बर्तन को भी ज़रा गौर से देखें, अंदर से देखें, तो इसको भी शायद कभी नहीं धोया जाता, कभी साफ नहीं किया जाता। और चूंकि ये बाहर खुला पड़ा रहता है, दरवाजे इनके खुले हैं, इसके अंदर से चाहे कीड़े गुजरें, छिपकलियां गुजरें, काकरोच गुजरें, वो सब अपने जरासीम और वायरस इसके अंदर छोड़ के चले जाते हैं, ताकि अगली बार जब मसाला कूटा जाए तो उसमें वो गिजाइत बढ़ा सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केटरिंग की दुनिया के ही एक बड़े शेफ मोहम्मद सलीम। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। सलीम साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है केटरिंग सेक्टर का, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं और क्या उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, क्या क्या बेहतर किया जा सकता है? मैं समझता हूँ यहाँ पर प्रॉपर किचन बनना चाहिए एक नक्शे के मुताबिक, वो नहीं है। यहाँ पर टम्परेली सा किचन बना हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पूरी टाइलिंग होनी चाहिए। जो फ्रीजर है उसमें भी अलग-अलग होना चाहिए। सारे फ्रीजर आपके बता रहे हैं कि जी यहाँ पर क्रॉस कंटामिनेशन हो रही है। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि इसके अंदर ही जो छोटा सा ये पोर्शन है, इसके अंदर ही इनकी डस्टबिन है, इसके अंदर ही इनका कूड़ादान है। और सबसे मज़ेदार की चीज़ है कि इसके अंदर ही इन्होंने तार लटकाई हुई है जिसके ऊपर वो कपड़े धो के सुखाते हैं।
ये आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि ये शेल्टरें डाली हुई हैं आराम से, यहीं पर इनके वो चीज़ें हैं कि बाहर बारिश हो रही है यहाँ पर जी। ये तार बताती है कि ये आरजी नहीं है कि ये यहाँ पर रहती हैं, ठीक है जी। उसके बाद इनके जो वर्कर हैं वो उन कोई इतने इंटेलिजेंस नहीं है, उन्होंने कहीं से डिप्लोमा नहीं किया, किसी से कोर्स नहीं किया, कहीं से कुछ भी नहीं किया हुआ, उनको मैनेज करने का बिल्कुल नहीं पता, जो इनके पास नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसके बाद इनके वर्कर जो हैं उन किसी के पास शूज़ नहीं है, किसी के पास कैप नहीं है, किसी के पास इनका वर्दी वगैरह नहीं है, जो शर्ट कोट वगैरह होते हैं या हाँ जी, और एप्रन भी यहाँ पर नहीं है। तो ये आप आएँ मेरे पास, इसको बुलाएं ज़रा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बच्चे। ये लड़का है, इसको आप देख लें कि इसके इसके क्या हालात हैं, इसके हाथ देखें तो इसके पाँव से लेकर ऊपर तक देख लें, किसी तरफ से आपको ये लगता ही नहीं है कि ये क्या काम कर रहा होगा। इसके हाथ का बना हुआ खाते हैं लोग बड़े शौक से, बड़े मजे से, अगर वो देख लें तो मेरा ख्याल है कि कोई कोई बंदा नहीं करेगा कि ये यार हम ये क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अगर ये बेहतर करें और ये जो है तो इसको इसमें बेहतरी आ सकती है इसमें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौलखा शादी हाल के मालिक उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। उस्मान साहब, जो किचन में जो हाइजीन कंडीशंस हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड हैं। दरअसल एक्चुअली आज मौसम वेदर की वजह से हमें थोड़ा सी बादरेशन हुई है, हमारे हॉल में सफाई वगैरह का मुकम्मल इंतजाम वगैरह मौजूद है और क्वालिटी क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारा फूड की क्वालिटी पे भी, मसाला जात में भी, सब कुछ हम एक नंबर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के अल मशहूर मक्का नान वाले हैं, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। दूध वगैरह भी हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेते हैं यहाँ पे, सफाई वगैरह सब चीज़ों का ख्याल करते हैं, हाइजेनिक फूड देते हैं यहाँ पे, सब ईच एंड एवरी थिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं अपने काम से भी, अपने फूड में से, अपनी ईमानदारी से हम काम करते हैं और 100% हम रिस्क के हालात में। अच्छा, जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं कि इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की खासी गुंजाइश मौजूद है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार आएँ तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूव मिलेंगी, यहाँ पे कोई ऐसी कमी नहीं होगी जी। इंशाल्लाह आपको इससे मजीद इम्प्रूव भी मिलेगी और नेक्स्ट टाइम आपको कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेंट नहीं हो। इतनी बेहिसी और बेशर्मी की आखिर वजह क्या है, ये हम तो अभी तक समझने से कासिर हैं। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि ये लोग अपने आप को सुधार लेंगे, फिलहाल पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्काम ने भारी जुर्माना करके आइंदा के लिए सख्त नोटिस दिया है और हॉल के मालकान ने भी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए किसी बहसो तकरार में पड़ने की बजाय अपनी गलती तस्लीम की और आइंदा के लिए अपनी कमियों और कोताहियों को दूर करने का वादा भी किया। अच्छा बंधु, ये बताएं कि शादी हाल में जो लोग खाना खाने के लिए आते हैं, क्या आप ऐसी टिप्स देंगे कि जिसकी वो एहतियात करें, जिनको मद्देनजर रखें कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और इनको हमने इस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि एक आम जो व्यूअर है वो आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार ना हो सके? इसमें आप जब भी अपनी प्लेट उठाएं उसको देखें, अच्छी तरह से देख लें कि कहीं कोई स्टेन्स वगैरह इस तरह के तो नहीं रह गए जो लगे आपको कि जी ये साबुन से सही तरह से नहीं धुला। फिर आप ये है, जो भी आप ग्लास यूज़ कर रहे हैं उसको देख लें अच्छी तरह से, ये आपके खुद देखने की चीज़ है, आप खुद देखेंगे, आप खुद इस पर कंप्लेंट करें उनको, पंजाब फूड अथॉरिटी को कंप्लेंट करें अगर आपको बर्तन सही तरह से धुले नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उस पर हम एक्शन लेंगे। फिर एक चीज़ है कि जो डिस्पोजेबल आप यूज़ करते हैं जहाँ भी शादी हाल में जाएँ या इवन कि आप बाहर से बिरयानी वगैरह भी खाते हैं, आप डिस्पोजेबल जब भी यूज़ करें आप उसको तोड़ कर फेंकें, उसको जो है डैमेज करके फेंकें ताकि वो खुदा ना खास्ता कहीं रीयूज ना हो जाए।
क्योंकि पाकिस्तानी कुछ इस किस्म के हैं कि हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे, तो इस चीज़ को देख लें कि आप जो भी डिस्पोजेबल यूज़ करें उसको डैमेज लाजमी करें ताकि वो रीयूज़ किसी सूरत में ना हो सके। नाज़रीन, मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारी ऐसी फूड आउटलेट्स हैं जो बज़ाहिर तो आपको ये शो करेंगे कि हम यहाँ पे डिस्पोजेबल बर्तन इस्तेमाल करते हैं, आप बेफिक्र हो जाएं हाइजीन के बारे में, इसकी आप फिक्र ही ना करें क्योंकि हमारे तो बर्तन डिस्पोजेबल हैं। लेकिन ये लोग करते क्या है कि जैसे ही आप लोगों ने खाना खाया ये उन्हीं डिस्पोजेबल बर्तनों को गीले कपड़े से साफ करेंगे और अगले गेस्ट को उसमें चीज़ें डाल के सर्व कर देंगे। वो जो थोड़ी सी अमाउंट डिस्पोजेबल बर्तनों की ये आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होते हैं वो भी अपनी बचा के उससे अपना मुनाफा बढ़ा रहे होते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि इससे बचने के लिए, क्योंकि डिस्पोजेबल बर्तनों को धोया नहीं जाता, दूसरे जो बर्तन हैं उनको तो फिर भी धो लिया जाता है और धोने से उनके जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन डिस्पोजेबल बर्तन को अगर सिर्फ गीले कपड़े से साफ करके आपको दे देंगे तो वो बीमारियों का गढ़ होंगे। इसलिए आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। ATV, सारे रंग हमारे।